प्रभुपाद जी का हम लोग जो उनका पुस्तक है और उनके बारे में हम लोग घर घर तक उसको पहुंचा दें, ये हमारा कर्तव्य है। तो श्रील प्रभुपाद जो है वो सभी के प्रियजन है ना। जो भी व्यक्ति जब भी प्रभुपाद के पास आया था वो व्यक्ति वो कभी निराश होकर नहीं गया। और आज हम देखते हैं कि प्रभुपाद की पुस्तकें दुनिया के कोने कोने तक पहुंची हुई है, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, राइट। और ऐसा हमने स्टडी किया था कि हर 60 सेकंड में एक प्रभुपाद की किताब बिक रही है विश्व भर में, सोचिए आप। और श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में आज पूरा विश्व इस्कॉन के माध्यम से प्रभुपाद की पुस्तकें और भगवत गीता के प्रचार में लगा हुआ है। तो प्रभुपाद की ऐसी बहुत सारी रोचक घटनाएं हैं जो हम लोग आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद किया उनके शिष्यों के साथ काफी गहरा संबंध था, कई बार गंभीर हो जाते थे, कई बार प्रभुपाद जी का ह्यूमरस जो नेचर है, मजाकिला नेचर, वो भी हमको देखने को मिलता है। तो आज हम लोग प्रयास करेंगे थोड़ी रोचक घटना ऐसी बताने का। एक बार श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलस में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। हमने देखा है कि मॉर्निंग वॉक के काफी सारे मॉर्निंग वॉक रिकॉर्डिंग है, हम सुन सकते हैं उसको, है ना। तो एक बार श्रील प्रभुपाद ऐसे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत बड़ा घर देखा, बहुत बड़ा घर, मेंशन जैसा घर था पूरा। तो प्रभुपाद बोले कि एक दिन हम भी कृष्ण के लिए ऐसा घर बनाएंगे। तो सब बोलने लगे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। फिर प्रभुपाद जब वॉक कर रहे थे एक लिमोजिन गाड़ी गई, लिमोजिन गाड़ी काफी लंबी होती है, काफी महंगी होती है। तो प्रभुपाद बोले कि एक बार हम भी कृष्णा के लिए ऐसी गाड़ी लेंगे और कृष्णा के सेवा में उसको लगाएंगे। तो सारे शिष्य बोलने लगे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। फिर एक कुत्ता गया, एक आदमी बहुत बड़ा कुत्ता लेके जा रहा था। तो प्रभुपाद ने बोले एक दिन हम भी कृष्णा की सेवा में ऐसा कुत्ते को लगाएंगे हम लोग। सारे शिष्य बोलने लगे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बोले मूर्खो कुत्ता क्या सेवा करेगा कृष्ण की, थोड़ा सुनो तो सही, तो मैं बोलने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो प्रभुपाद का इस प्रकार से ह्यूमरस नेचर, कभी गंभीर हो जाते थे प्रभुपाद। एक बार एक इंडियन प्रोफेसर ने प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे एक जगह पे, एक बार भारतीय प्रोफेसर ने बोला कि प्रभुपाद हम सब एक है, हम सारे लोग जो है एक है, ये मायावाद फिलोसॉफी है, राइट। तो जब प्रभुपाद ने ये सुना तो प्रभुपाद को बड़ा गुस्सा आया, कैसा कैसे बोल रहे हैं कि हम सब एक है। तो प्रभुपाद ने बोला कि तुमने जो कपड़ा पहना है, कॉटन का जो कपड़ा होता है और कॉटन का कपड़े का जो गोला होता है, वो क्या एक समान है? व्यक्ति उत्तर नहीं दे पाए। प्रभुपाद और जोर से बोले कि क्या कॉटन का कपड़ा और कॉटन के कपड़े का गोला का एक समान होता है? तो फिर से वो कुछ बोला नहीं प्रभुपाद को। प्रभुपाद उसके पीछे गए, उसका कॉलर पकड़ा और इसको हिलाने लगे कि क्या कॉटन का कपड़ा और कॉटन के एक सामान है? बोला प्रभुपाद नहीं है। तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हम सब एक है? इस प्रकार से प्रभुपाद कई बार हैवी हो जाते हैं, राइट। एक बार एक व्यक्ति ऐसा लेक्चर दे रहे थे प्रभुपाद, प्रभुपाद ऐसा लेक्चर दे रहे थे और सामने डीटीएस थे उस तरफ। तो एक व्यक्ति बीच बीच में प्रश्न पूछने खड़ा हो गया, उसने पूछा कि प्रभुपाद क्या आपने भगवान को देखा है, आपने भगवान को देखा है क्या? तो प्रभुपाद ने बोला कि तुम नीचे बैठ जा, मुझे दिख नहीं रहे भगवान, तेरे पीछे है वो। इस प्रकार से प्रभुपाद जवाब देते थे लोगों को। एक बार एक बॉम्बे के अंदर एक लेडी बता रही थी कि प्रभुपाद हमारे गुरु ने भगवत गीता लिखी है और बोलते कृष्ण जो है वो अज्ञात है, वो जाने नहीं जा सकते, वो काले है, ऐसे हमारे कृष्ण है, ऐसे मेरे गुरु बोलते हैं, वो जाने नहीं जा सकते वो। तो प्रभुपाद ने बोला कि तो तुम्हारे गुरु ने भगवत गीता क्यों लिखी, अगर वो काले है, जाने नहीं जा सकते, अज्ञात है, तो तुम्हारे गुरु ने कृष्ण के विषय में लिखा क्यों फिर? तो प्रभुपाद ने आगे बताया कि प्रभुपाद भगवत गीता का कोट किया कि भक्त्यामा अभी जाना थी, कि मेरे भक्तों के माध्यम से मुझे जाना जा सकता है। तो चीटिंग वाला धंधा है, तुम्हारे गुरु को बोलो कि वो बंद करे,
ऐसे हैवी भी हो जाते थे प्रभुपाद कई बार। तो एक बार जयपुर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था प्रभुपाद के लिए, और काफी सारे लोग आए थे अटेंड करने के लिए, बड़े बड़े लोग आए थे, और साथ ही साथ जो वहां के जो धर्म गुरु होते हैं वो लोग भी आए थे, है ना। तो किसी ने बोला प्रभुपाद को कि आपके शिष्यों को श्लोक बोलने नहीं आते प्रभुपाद, संस्कृत नहीं आते उनको। तो बंदे बोले ऐसा किसने कहा, किसने बोला मेरे शिष्यों को संस्कृत नहीं आता है। हाँ, तो जो माता जी इंचार्ज थी वहां की, जो प्रोग्राम का पूरा उन्होंने हैंडलिंग किया था, तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि जाओ और इस उपनिषद के श्लोक बोलना चालू करो। माता जी घबरा गई, क्योंकि माता जी को खाली पहले चार श्लोक आते थे, पीछे के श्लोक नहीं आते थे। तो चिंता में आ गई कि प्रभुपाद का नाम खराब हो जाएगा, है ना, उनको चिंता होने लगी। सब सोचने लगी माता जी अब मेरा क्या होगा, प्रभुपाद को नीचा दिखाऊंगी मैं। लेकिन प्रभुपाद ने आदेश दिया तो पालन तो करना ही था, राइट। तो प्रभुपाद के आदेश अनुसार माता जी गए ऊपर बोलने के लिए, और माता जी ने श्लोक बोलना चालू किया। पहला श्लोक बोला, दूसरा श्लोक बोला, तीसरा श्लोक बोला, चौथा श्लोक बोला, फिर प्रभु ने बोला बस काफी इतना। इतने में लोग समझ गया आगे बोलने की जरूरत नहीं है। तो माता जी को एकदम शांति अनुभव हुआ कि बच गए। एक बार प्रभुपाद जैसे आपके मंदिर में अच्छा मतलब बड़ा मंदिर है, आप परिक्रमा कर सकते हैं हम लोग ऐसा। तो एक बार प्रभुपाद वृंदावन मंदिर परिक्रमा कर रहे थे, और ये काफी फेमस स्टोरी है ये। तो प्रभुपाद जैसे परिक्रमा कर रहे थे, तो जैसे ही परिक्रमा करके आ रहे थे और एक जगह रुक जाते थे, बोलते थे कि मुझे ऊपर कुछ दिख रहा है, क्या तुम लोग कुछ दिख रहा है क्या ऊपर क्या है वो। तो सारे शिष्य बोले नहीं दिख रहा है। प्रभुपाद बोले ध्यान से देखो, मैं देख सकता हूँ कुछ लोगों को। वो बोले कि उनको ऐसा लगा उनके शिष्यों को शायद प्रभुपाद नारद मुनि को देख रहे होंगे, ब्रह्मा जी को देख रहे होंगे, शिव जी को देख रहे होंगे। उनको था कि प्रभुपाद तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं। तो फिर चले गए, फिर और एक राउंड मारा, फिर वापस प्रभुपाद ने बोला तुम लोग देख रहे हो ऊपर। बोले कुछ बोले नहीं, हाँ प्रभुपाद कुछ आंसर नहीं दे पाए। फिर प्रभुपाद ने तीसरा, वो लोग सोच रहे थे अंदर से बातें कर रहे थे, देखो प्रभुपाद कितने महान है, उनको ब्रह्मा जी नारद मुनि जैसे का दर्शन हो रहे हैं, हाँ दिन में दर्शन हो रहे हैं उन लोगों के, और हम लोग कितने पतित हमको दर्शन हो रहे हैं उन लोगों के। फिर तीसरा राउंड मारा प्रभुपाद ने, बोले अभी दिख रहा हम लोगों को, नहीं प्रभुपाद हम किसी को नहीं देख सकते, हमें कुछ नहीं दिख रहा है। प्रभुपाद ने बोला कि दिन हो गया है और वहां लाइट चालू, लाइट बंद करो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद उनके शिष्यों के साथ ऐसे खेलते थे। एक बार इस ग्रह सुषमा जी ननन प्रभु एक स्टोरी बताते हैं, बताई थी हम लोग एक बार उन्होंने अहमदाबाद में। तो प्रभुपाद एक दिन बहुत बीमार थे और मायापुर में थे, और क्योंकि प्रभुपाद बीमार थे तो सबका टर्न था सेवा करने का, है ना, छह घंटे ये करेगा, छह घंटे ये करेगा, छह घंटे ये करेगा, ऐसा करके टर्न वाइज सेवा थी। तो परम पूज्य जसोमती नंदन प्रभु का जो टर्न जो था वो रात का टर्न था, 2 बजे का। तो वो मसाज कर रहे थे प्रभुपाद का रात को 2 बजे, और प्रभु अचानक उठ गए और प्रभुपाद बोले ये जो वैज्ञानिक है वो सारे लोग मूर्ख है, एक नंबर के सारे वैज्ञानिक मूर्ख है। इतना बोल के प्रभुपाद वापस हो गए। तो जसोमती बताते थे कि प्रभुपाद नींद में भी प्रचार कर रहे थे, नींद में सोच रहे थे कि क्या करूं मैं अभी। तो बीच रात में उठे, इतना बोला कि सारे वैज्ञानिक मूर्ख है, और फिर वापस हो गए प्रभुपाद। एक बार गिरिधर स्वामी का आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा कि नहीं, लेजोलिनस गिरिधर स्वामी महाराज का, जिन्होंने बॉम्बे जू प्रोजेक्ट बनाने में बहुत मदद किया था उन्होंने। और गिरिराज महाराज के जो फैमिली मेंबर्स जो थे वो काफी अमीर थे, बहुत सारा पैसा था उन लोगों के पास में। तो गिरिराज महाराज के माता पिता उनको मिलने आए प्रभुपाद को, और उनकी माता रो रहे थे, इनका एक ही बच्चा था गिरिराज स्वामी, और वो तो ब्रह्मचारी बन गए उस समय। उनकी माता बहुत दूर हो रही थी और पिता प्रभुपाद को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरा बेटा वापस आ जाए ऐसा। तो प्रभुपाद ने बोला कि मैंने क्या आपके बेटे को पकड़ के रखा है, ले जा सकते हो आप। तो उसकी माता बहुत रो रही थी, तो प्रभुपाद ने डिवोटी को बोला और बोला कि रसगुल्ले लेके आओ। तो डिवोटी रसगुल्ले लेके आया, तो पहले गिरिराज को दिया, तो गिरिराज जी तो रसगुल्ले खा गए, एक दो तो अंदर चले गए। उनकी माता पिता दोनों देखने लगे कैसे खा रहा है इतना सारा ये। फिर प्रभुपाद ने उनकी माता को दिया, माता और पिता को बताया कि आप भी रसगुल्ला खाइए।
उन्होंने थोड़ा मना किया कि नहीं नहीं हमको नहीं खाना है। तो अमेरिकन जो लोग होते थोड़े सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं है ना, कि नहीं नहीं प्रभुपाद, लेकिन उनको प्रोटीन बहुत पसंद आता है अमेरिकन का। बोलो ना कि इसके अंदर प्रोटीन है बहुत सारा, तो कुछ भी धोके खा जाएंगे वो लोग। तो प्रभुपाद ने बोला कि इसके अंदर प्रोटीन बहुत है, एक एक गोले में बहुत सारा प्रोटीन है। तो उसकी माता ने प्लेट ले ली और खाने लगे, रो रही थी और रसगुल्ले खा रही थी। तो प्रभुपाद इस प्रकार से उनके जो डिवोटीज बनते थे उनके माता पिता के साथ इस प्रकार से व्यवहार करते थे। पर एक दिन गिरिराज महाराज के जो पिता थे वो बहुत अमीर थे। एक बार वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए उनके साथ में, और प्रभुपाद के पास उस समय रोल्स रॉयस गाड़ी आई थी उनको लेने के लिए है ना। तो प्रभुपाद गाड़ी के अंदर बैठने जा रहे थे और उनके पिता देख रहे थे प्रभुपाद को, वो जा रहे हैं ऐसा करके। तो प्रभुपाद ने देख लिया कि मेरे को देख रहे हैं। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप भी आइए। प्रभुपाद को मालूम था उसकी मेंटेलिटी कैसी है, अमीर आदमी था ना वो। तो उनको बोला कि नहीं नहीं प्रभुपाद चलेगा। बोले आप डिजर्व करते हो ये गाड़ी में घूमना, आप जाइए आप जाइए। प्रभुपाद ने बोले नहीं नहीं चलिए आप साथ में आ सकते बैठ सकते हैं सर। बोले नहीं नहीं मेरे को नहीं आना है प्रभुपाद। तो प्रभुपाद हरेक के मन को और इस प्रकार से डीलिंग करते थे शिला प्रभुपाद, उनके शिष्यों के साथ भी और उनके शिष्यों के माता पिता के साथ भी, राइट। तो एक बार बॉम्बे में, बॉम्बे नहीं, इस बोले ने बद्रीनारायण स्वामी महाराज बताते कथा एक, कि यूनाइटेड से बर्कली करके जगह है अमेरिका में है ना। तो वहां अमेरिका उन्होंने क्या किया, एक बंगाली स्वीट का दुकान खोल दिया, राइट। उसके अंदर बहुत सारी बंगाली स्वीट बना के वो लोग बेचते थे। तो प्रभुपाद को उन्होंने बताया कि प्रभुपाद अमेरिकनों को बंगाली स्वीट बहुत पसंद आ रही है ना, संदेश मिष्टी दही रसगुल्ला बहुत अच्छा लग रहा है सबको। तो उस समय एक त्रिपुरारी महाराज थे जो समय खड़े थे वहां पर, और काफी बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे त्रिपुरारी महाराज। तो प्रभुपाद ने बोला कि त्रिपुरारी कितना बुक डिस्ट्रीब्यूट किया आपने आज। तो नंबर्स बोलने लगे, कितनी भगवत गीता बांटी, इतना भागवतम बांटा, इतनी कृष्णा बुक बांटी, और इतना मैंने चेतना चरित बांटा। तो प्रभुपाद बोले कि चेतना चरित असली बंगाली स्वीट है, राइट। तो इस प्रकार से एक बार दिल्ली में एक बिजनेसमैन प्रभुपाद के पास आया। उसने बताया कि प्रभुपाद मेरी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं दिल्ली में, अजमेर में, जयपुर में, आगरा में, पटना में, बहुत सारी फैक्ट्री है, बहुत सारा काम चल रहा है मेरा। तो मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे नींद नहीं आती है। उसने बोला अच्छा। तो प्रभुपाद ने ऐसा बोला कि आप एक काम करो, आपका जितना भी संपत्ति है वो सारा मुझे दे दो, फिर आपको शांति से नींद आएगी। तो वो घबरा गया, बोले क्या बोल रहे प्रभुपाद। बोले दे सकते हो तुम मुझे, मैं सब कुछ कृष्णा के सेवा में लगा सकता हूँ, तुम शांति से आराम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से नींद आएगी तुमको। और प्रभुपाद के कुछ शिष्य थे, उनको बोला कि इनका कॉन्टेक्ट नंबर ले लो आप, हाँ कभी ये हमको सब कुछ देने वाले हैं। वो घबरा गया बात पे, बोले नहीं नहीं प्रभुपाद कॉन्टेक्ट नंबर देने की जरूरत नहीं, मैं आऊंगा आपको मिलने के लिए। प्रभुपाद नहीं 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 हम आएंगे ना आपके पास, आपकी नींद कैसे खराब कर सकते हैं हम लोग, हम आएंगे आपके साथ। हाँ आप हमारे पास आना चाहते हैं, हम आपके पास आना चाहते हैं, तो हम लोग आएंगे आपके पास। तो उसने बोला नहीं 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 आज मेरे कॉन्टेक्ट देने की जरूरत नहीं, मैं आ जाऊंगा आ जाऊंगा। प्रभुपाद ने उसको इतना प्रेशर किया और अंत में वो कॉन्टेक्ट लेके उससे, चिंता मत करो तुम सो जाओगे। तो प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक करने जाते थे तो प्रभुपाद कभी बार अलग अलग कहानी बताते थे उनके शिष्य को है ना, ऐसी कहानी बताते थे प्रभुपाद। तो पहले क्या, तो राजा और वो लोग होते थे तो उनका बहुत मंत्रिमंडल होता था और काफी सीरियस रहते थे वो लोग है ना। सीरियस मतलब कि वो राजा है, राजा के सामने ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। तो राजा को एक आदमी चाहिए होता है कि जो राजा के साथ मजाक मस्ती करे, और राजा उसको कुछ नहीं बोलेगा है ना। तो एक गोपाल भट्ट करके ऐसा मजाकिला आदमी रखा था राजा के लिए, जिसका काम था राजा को खुश करना, बस यही काम था उसका, उसका नाम था गोपाल। तो उसने गोपाल को पूछा कि तुम्हारा और गधे के बीच में क्या अंतर है, तुम्हारे बीच में और गधे के बीच में क्या अंतर है। तो उसने एक मेजरमेंट की पट्टी मंगवाई गोपाल ने, और जहां राजा बैठता है वहां से लेके
उसका डिस्टेंस मापा उसने, तो उसने बोला कि मेरे और गधे के बीच 6 फुट का डिस्टेंस है। राजा भी हंसने लगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद के बार ऐसी स्टोरीज भी मॉर्निंग वॉक के टाइम बताते रहते थे श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद पैसे के मामले में बहुत सतर्क रहते थे, है ना, पैसा ज्यादा देते नहीं थे, व्यय नहीं करते थे पैसों का प्रभुपाद। तो एक बार गर्ग मुनि प्रभु और जयपता का महाराज, वो दोनों वृंदावन और मायापुर का कंस्ट्रक्शन देख रहे थे, मायापुर का कंस्ट्रक्शन देख रहे थे दोनों। तो उनको 1.5 लाख रुपए चाहिए था कंस्ट्रक्शन करने के लिए, राइट। और उसमें प्रभुपाद जो थे वो सारा पैसा का जो कंट्रोल है वो अपने पास रखते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अमेरिकन है और इंडियन जो है वो अमेरिकन को लूट लेंगे, और प्रभुपाद को मालूम है भारतीयों को मैं ही संभाल सकता हूँ, ये अमेरिकन भारतीयों को संभाल नहीं पाएंगे पैसों के मामले में। तो प्रभुपाद सारे पैसे अपने पास रखते थे, उसका कंट्रोल। तो गर्ग मुनि और जयपता का महाराज गए प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद हमको 1.5 लाख रुपया चाहिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो वो क्या करे, तुम लोग कुछ करते हो, खाली पैसा मांगते रहते हो मेरे से। तो थोड़ा डाटा उन लोगों को, और अंत में प्रभुपाद ने केवल 1.5 लाख में से 70,000 रुपया दिया, 70,000 रुपीज। उसी समय वृंदावन से सुरभि प्रभु आए, सुरभि प्रभु जो कि वृंदावन का कंस्ट्रक्शन देख रहे थे, उन्होंने सीन देख लिया, राइट। वो समझ गए प्रभुपाद अभी मूड में पैसे देने के मूड में नहीं है, और उसको 2.5 लाख रुपया चाहिए था। तो सुरभि प्रभु जो है उन्होंने क्या किया, एक बार एक्सपीरियंस कर लिया ये वाला, उन्होंने क्या किया कि सारा लिख दिया, एस्टिमेट लिख दिया पेपर पे, है ना, कि ये करना इसलिए इतना खर्चा चाहिए, ये करना इसलिए इतना खर्चा चाहिए, ये करना इसलिए इतना खर्चा चाहिए, ऐसा पूरा एस्टिमेट लेके टोटल 2.5 लाख का एस्टिमेट लेके प्रभुपाद के सामने गए। तो प्रभुपाद ने पढ़ा उसको, और प्रभुपाद ने पढ़ा और प्रभुपाद बोले कि काम तो अच्छा किया है। तो लेकिन प्रभुपाद ने उसको चेक बोले, चेक बनाना है मेरे को, चेक लेकर आओ मेरा। तो प्रभुपाद चेक लिख रहे थे, राइट। और प्रभुपाद ने बोला कि तुम मंदिर से बैंक तक जाओगे तो कितना रुपया लगेगा। तो उसने बोला प्रभुपाद 58,000 लगेगा, है ना, 1.25 रुपीज इतना लगेगा, राइट, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, 1.25 रुपीज, कितना, 1.5 रुपया समझो ना, 1.25 रुपया बोला उसने। और प्रभुपाद ने बोला अगर मैं कुरियर करूंगा तो कितना पैसा लगेगा इधर से, और डायरेक्ट बैंक में जमा कर दो, बैंक वाले तुमको दे दे। तो बोले प्रभुपाद 75 पैसे लगेंगे, कुरियर सस्ता होता था उससे। मैंने तू बैंक में कैसे जाऊंगा, मैं रिक्शा से जाऊंगा, इतना पैसा लगेगा, और कुरियर करूंगा तो कितना पैसा लगेगा, 75 पैसा। तो प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है मैं कुरियर करता हूँ। तो 50 पैसे के लिए प्रभुपाद ने उसको बोला कुरियर करने के लिए। तो प्रभुपाद 50 पैसा इधर उधर यूज नहीं करते, लेकिन समझता था जो प्रचार बिल्कुल भी पैसे के लिए देखते नहीं थे। जब प्रभुपाद को मालूम पड़ा कि बत्ती वाला रिसर्च सेंटर खोलना है प्रचार करने के लिए, तो प्रभुपाद ने तुरंत अमेरिकन लिबर्टी को फोन किया और बोला कि $10,000 तुरंत भिजवाओ, हम इधर बत्ती वाला रिसर्च सेंटर खोलना है। इस प्रकार से कई बार प्रभुपाद स्ट्रिक्ट भी होते थे, कई बार प्रभुपाद फ्लेक्सीबल भी हो जाते थे। एक बार कलकत्ता में इसलिए भक्ति सरो स्वामी महाराज ने वो कुकिंग करते थे प्रभुपाद के लिए, भक्ति सरो स्वामी महाराज, तो उनको एक वानगी बनाने के लिए बोला प्रभुपाद ने, और उस वानगी में लाल मिर्ची डालना बहुत जरूरी था, अगर उसमें अच्छा टेस्ट चाहिए तो लाल मिर्ची डालना। तो भक्ति सरो महाराज ने सोचा कि प्रभुपाद का एज बहुत हो गया है, और ज्यादा लाल मिर्ची डालूंगा तो प्रभुपाद को पेट में दर्द होगा, है ना, तो लाल मिर्ची डाली नहीं उन्होंने, है ना, और प्रभुपाद के पास गए। तो प्रभुपाद खाना चालू किया, प्रभुपाद बोले क्या बनाया तुमने ये, बोले प्रभुपाद ने जो डिश बोली थी बनाने के लिए, बोले कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, कुछ कम डाला है तुमने इसके अंदर। तो प्रभुपाद क्या, लाल मिर्च कहाँ पर है, लाल मिर्च डाली नहीं तुमने इसके अंदर। तो भक्ति सरो महाराज बोले कि प्रभुपाद मुझे ऐसा लगा कि आपका पेट खराब है, मुझे लगा बीमार हो जाओगे इसलिए मैंने नहीं डाली। तो प्रभुपाद ने उसका जबरदस्त डाटा, भक्ति सरो महाराज को झाड़ लिया पूरा प्रभु, भक्ति महाराज रो रहे थे, इतना डाटा कि भक्ति महाराज रोने लगे प्रभुपाद के सामने। प्रभुपाद लगे मुझे मालूम है, इसलिए मैंने घी का माप और मिर्ची का माप इतना बोला था डालने के लिए। और फिर प्रभुपाद शांत हो गए, फिर प्रभुपाद बोले कि देखो मैं बहुत बूढ़ा व्यक्ति हो चुका हूँ, और जो जिनकी उम्र हो जाती है उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, हमने देखा ही है, तो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसको गुस्सा एकदम तुरंत आ जाता है,
भड़कते एकदम सीधा। तो प्रभुपाद बोले कि आप लोग मेरी बहुत सारी सेवा करते हो, मैं खाली एक वाक्य बोलता हूँ और आप लोग उस वाक्य को अपना जीवन समझ के सेवा करते हो, तो मुझे माफ कर दो कि मैं किस प्रकार से व्यवहार करता हूँ आप लोग के साथ में। तो भक्ति शर्मा और रोने लगे कि बोले प्रभुपाद आप ऐसा मत कीजिए, हम तो आपके शिष्य हैं और हमारा कर्तव्य आपकी सेवा करना है, अगर आप बोलो कि हम नहीं करेंगे तो हम किस प्रकार के शिष्य बने रहेंगे आपके साथ। तो इस प्रकार से प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ में भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते थे, है ना, और बहुत केयर करते थे अपने शिष्यों का। प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स का इतना ध्यान रखते थे। एक बार एक पंडाल प्रोग्राम में प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, तो एक व्यक्ति ने बोला, उठ के बोला, प्रभुपाद आपने विदेश में जाके बहुत प्रचार किया है, आप बोलते घोरों को भक्त बनाया, ये बनाया, वैसा बनाया, आप पाकिस्तान में जाके प्रचार क्यों नहीं करते हो? हाँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप पाकिस्तान में जाके प्रचार करो। तो प्रभुपाद ने बोला चैलेंज एक्सेप्टेड, है ना। प्रभुपाद तुरंत गर्ग मुनि प्रभु और ब्रह्मानंद प्रभु उन दोनों को भेजा, बोला कि तुम लोग पाकिस्तान में जाके प्रचार करो। वो दोनों चले गए बिना कुछ बोले, और उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का मामला चल रहा था, और प्रभुपाद तुरंत एक लेटर भेजा उन दोनों को कि अभी मत जाओ, अभी युद्ध होने वाला है, अभी मत जाओ तुम लोग। लेकिन लेटर उनको तक पहुंचे उससे पहले वो लोग पाकिस्तान पहुंच गए थे। एक महीने तक वो दोनों थोड़ा संघर्ष किया कि युद्ध चल रहा था, और जब भारत आने के लिए बस में चढ़े तो उनको मिलिट्री ने पकड़ लिया वहां की, पाकिस्तान की। तो मिलिट्री को पकड़ लिया उन्होंने, तो बोला कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तुम लोग साधु लग रहे हो, है ना, तैयार हो जाओ, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, ऐसा करके, और उसे बंदूक टान दी उन दोनों के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी ने। तो दोनों सोच रहे थे कि, और प्रभुपाद को बहुत चिंता हो रही थी। प्रभुपाद बोले कि वहां युद्ध चल रहा है, मेरा लेटर पहुंचाने, दोनों क्या कर रहे होंगे। और दोनों भाई थे, गर्ग मुनि और ब्रह्मानंद, दोनों सगे भाई थे। जब ये दोनों भाई प्रभुपाद ने मैसेज गिफ्ट स्टोर बनाया तब दोनों भाई ज्वाइन हुए थे प्रभुपाद को, और उस समय उनकी माता के साथ आए थे दोनों भाई, और उन्होंने माता के सामने प्रभुपाद को प्रणाम किया। तो प्रभुपाद ने बोला कि मुझे प्रणाम मत करो, सबसे पहले तुम्हारी माता को प्रणाम करो। दोनों भाई थे, वायु चल रहा था, प्रभुपाद चिंता कर रहे थे, और सामने बंदूक के नोक पे दोनों खड़े हुए थे। तो दोनों ने सोचा कि अभी टाइम आ गया हमारा, जैसे माला लटकी हुई थी तो बोले माला चालू करते अभी हम लोग, आग बंद की और माला चालू कर दी, बोले जो होना होगा वही। तो माला करते गए कुछ हुआ नहीं, उन्होंने आगे खोली, बोले तुम गोली क्यों नहीं मार रहे हो, हम तैयार है। तो वो बेचारे को दया आ गया दोनों के ऊपर, और बोला कि तुम लोग जाओ इधर से, अभी फटाफट निकलो इस जगह से। और प्रभुपाद इतना चिंता कर रहे थे, जैसे दिल्ली पहुंचे दोनों भाई, वो दोनों ने प्रभुपाद के चरण पकड़ लिया, और प्रभुपाद रोते जा रहे थे। प्रभुपाद इतना रोए हम दोनों को सामने देख के। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जो थे अपने शिष्यों की भी काफी चिंता करते थे। तो अमेरिका में तमल कृष्ण महाराज का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, परमपुरी तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो तमल कृष्ण महाराज एक राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी चलाते थे, राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी, और अमेरिका में बहुत फेमस था उनका पार्टी। उन्होंने तमल कृष्ण महाराज के नेतृत्व में 4 बस घूम रही थी पूरे अमेरिका में, टोटल 180 भक्त थे उसमें, 180 डिवोटीज ट्रैवलिंग कर रहे थे, पुस्तक वितरण कर रहे थे पूरे अमेरिका में घूम घूम के। और शिकागो मंदिर जब ओपन किया प्रभुपाद ने अमेरिका में, तो तमल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद को 108 डिवोटीज नए बना के दिए कि प्रभुपाद 108 डिवोटीज आपके चरणों में, ऐसा करके। तो ऐसा प्रचार करते तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज। एक बार प्रभुपाद मायापुर में मिलने गए तमल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के रूम में, और ऐसा बता रहे थे, स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे, उनका रिपोर्ट कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने बोला, तमल कृष्ण मैं चाहता हूँ कि तुम चाइना में जाकर प्रचार करो। और उसमें चाइना जो था 74-75 की बात, चाइना बहुत भयंकर कम्युनिस्ट कंट्री था, अभी भी है, लेकिन उस समय चाइना के मतलब नरक समझते थे वो लोग, कि चाइना में कोई प्रचार करने नहीं गया तब तक। तो तुम्हारे वापस प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद मैंने शायद कुछ सही से सुना नहीं, मैंने क्या बोला आपने,
तो बोले मैंने मैंने बोला कि तुम्हें चाइना में जाके प्रचार करना चाहिए, तो रूम के बाहर गए और थोड़ा उनका सर जो था थोड़ा हैवी हो गया कि मुझे सही है प्रभु ऐसा बोल रहा चाइना जाने के लिए मेरे को, प्रभु को मालूम था ना कि वहाँ कैसा हालत है चाइना के अंदर। तो फिर वो अंदर गए और बोला ठीक है प्रभु जैसी आपकी इच्छा। तो प्रभुपाद के शिष्य जो थे वो केवल कुछ आर्ग्यूमेंट ही नहीं करते थे, प्रभुपाद ने बोला पाकिस्तान जाओ, दोनों में से किसी ने कुछ पूछा भी नहीं, निकल गए। वो लेटर पहुंचा उससे पहले निकल गए वो लोग। तो तमा कृष्ण महाराज को बोला कि तुम जाके चाइना चले जाओ, थोड़ा घबरा गए पहले लेकिन फिर मान गए वो भी। तो प्रभुपाद के शिष्य का डेडिकेशन उनके प्रति इतना जबरदस्त था कि प्रभुपाद खाली कुछ बोलते थे और वो लोग कर डालते थे, कुछ सोचते नहीं थे कि उनके साथ क्या होगा, उनका खाली एक ही ध्येय था किस प्रकार से प्रभुपाद को खुश किया जाए बस। तो जब प्रभुपाद अमेरिका नहीं गए थे और जब प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर पर रहते थे वृंदावन में, तो उस समय राधा दामोदर मंदिर के बाजू में एक हृदयानंद दास बाबा जी रहते थे, हृदयानंद दास बाबा जी। और वो देखते थे कि हर रोज राधा दामोदर मंदिर में कोई आदमी रात को एक दो बजे हर रोज रोता था, रोने लगता था कोई आदमी, रोने की आवाज आती थी वहां से। तो बोले कि ऐसा हर रोज कौन रोता है, हर रोज एवरी डे। जब वो खड़े हुए एक दिन उन्होंने सोचा कि एक बार देखता हूँ रो कौन रहा है सारा, तो वो उनकी छत पे चढ़ गए और देखने लगे ऐसा कौन रो रहा है। तो उन्होंने देखा कि रात के उस समय एक दो बजे थे और प्रभुपाद क्या कर रहे थे, रूप गोस्वामी की जो भजन कुटीर थी उसके पास आके झाड़ू मार रहे थे, झाड़ू मार रहे थे। प्रभुपाद रोते रहे, बहुत रोते थे प्रभुपाद झाड़ू मारते मारते, और रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते थे गुरु ने मुझे आदेश दिया है 5-6 दिन लगा प्रचार करने के लिए, मैं कैसे उनका प्रचार करूंगा। प्रभुपाद बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और वो बोलते बोलते जाते थे रोते थे। वो बताते थे कि एक बार प्रभुपाद गिर जाते थे रोते रोते, लोटपोट हो जाते थे रूप गोस्वामी के समाधि के पास कि मैं कैसे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा, मैं कैसे संभव होगा कि पाश्चात्य देश में जाके मैं प्रचार करूं हरि नाम का। और जब प्रभुपाद वापस आया वृंदावन में अपने सभी शिष्यों के साथ, तो हृदयानंद दास बाबा जी बताया कि मैं आश्चर्यचकित नहीं हुआ कि प्रभुपाद ने इतना बड़ा कार्य किया है, क्योंकि मुझे मालूम था अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है तो वो कौन है, श्रील प्रभुपाद है। इस प्रकार से भाव था प्रभुपाद का। इस प्रकार से जब प्रभुपाद अमेरिका गए कलकत्ता से उन्होंने जल्दू लिया था, उस समय प्रभुपाद शांतिपुर गए थे अद्वैत आचार्य के, जो उनका घर है अद्वैत आचार्य का, वहां पर गए थे और वहां जाके बहुत प्रार्थना कर रहे थे प्रभुपाद। वहां के पुजारी ने बताया था जब प्रभुपाद वापस आए उसके बाद कि जब प्रभुपाद अमेरिका गए उसके पहले इधर आके बहुत रोए थे और बहुत प्रार्थना की थी अद्वैत आचार्य को कि उनको कृपा मिले कि वहां जाके प्रचार कर सके वो। तो प्रभुपाद दया की दृष्टि से अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए, उनको कुछ लेना नहीं था, घूमने नहीं गए थे प्रभुपाद वहां पर 70 साल की आयु में, ये चलो घूम के आते हैं अमेरिका, प्रचार कार्य करने गए थे। और उन्होंने अपने गुरु का आज्ञा का बहुत चिंता हो रहा था कि मैं कैसे उनके आज्ञा का पालन करूंगा, पर हमने देखा कि इस प्रकार से प्रभुपाद ने इतने सारे मंदिर बनाए, 108 मंदिर बनाए, राइट, कितनी गौशालाएं खोली, गुरुकुल खोले, ये 10,000 से ज्यादा शिष्य बनाए उन्होंने, 14 बार तक पृथ्वी का भ्रमण किया पूरी, कितने सालों में, केवल 11 सालों के अंदर, राइट। तो ये केवल प्रभुपाद ही कर सकते हैं। एक बार बॉम्बे के अंदर तमा कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के सर्वेंट हुआ कर सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो प्रभुपाद एक चाबी रखते थे अपने अलमारी की। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा सिस्टम बना के रखा था प्रभुपाद ने अलमारी का, है ना, एक सेफ होता था उसकी चाबी एक रहती थी, और सेफ के अंदर एक डब्बा होता था उसके अंदर एक चाबी होती थी, फिर वो चाबी होती थी अलमारी की, अलमारी खोलोगे तो उसके अंदर एक सेफ खुलेगा, उसके अंदर एक चाबी होती थी, और सेफ खोलने के बाद दूसरा एक छोटा डब्बा होता उसके अंदर भी एक चाबी होती थी, और फिर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे उसके अंदर रखते थे प्रभुपाद ऐसा। तो प्रभुपाद कभी चाबी किसी को देते नहीं थे, प्रभुपाद क्या करते, घड़ी होती थी ना घड़ी, घड़ी के नीचे रखते थे प्रभुपाद चाबी को अपनी, और किसी को देते नहीं थे वो चाबी प्रभुपाद। एक बार प्रभुपाद बीमार हो गए
और प्रभुपाद को जरूरत पड़ी कबाड़ खोलने की, तो तुम्हारा कृष्ण को बुलाया प्रभुपाद ने, बोला कि ये चाबी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कबाड़ खोलो और डॉक्यूमेंट लेके आओ। और भगवान ने स्पेसिफिकली बोला कि चाबी घूम नहीं होनी चाहिए ये, राइट। तमल कृष्ण महाराज को दे दी। तमल कृष्ण महाराज गए और लॉकर खोलने से पहले चाबी घूम हो गई तमल कृष्ण महाराज से। तो तमल कृष्ण महाराज परेशान, उसको मालूम था उनको कि प्रभुपाद चाबी किसी को देते नहीं है, और मेरे पास कितनी श्रद्धा के बाद ये चाबी दी होगी मेरे को और मैंने चाबी घुमा दी, ये प्रभुपाद को जाकर मैं क्या बोलूंगा। तो गए, अभी बोलना तो बढ़िया प्रभुपाद को कि चाबी गुम हो गई है। तो प्रभुपाद के पास गए वो, और उन्होंने तमल कृष्ण महाराज खड़े रह गए और बोले कि प्रभुपाद एक बुरा समाचार है। तो प्रभुपाद ने बोला क्या है, बोले प्रभुपाद आपने मुझे वो चाबी दी थी लॉकर खोलने के लिए, वो चाबी गुम हो गई है। तो प्रभुपाद ने उसको डांटा, बोले चाबी नहीं संभाल सकते तुम, बोले सारे जीबीसी को बुलाओ, मुझे मीटिंग करनी है अभी। तो तमल कृष्ण महाराज टेंशन में आ गए, बोले चाबी गुम हो गई, जीबीसी मीटिंग कर रहे हैं प्रभुपाद, तो लगता है कि इस बार बहुत बड़ा मुझे पनिशमेंट मिलने वाला है प्रभुपाद से, राइट। तो तमल कृष्ण महाराज ने सोचा कि चलो जीबीसी आते तब तो ढूंढ लेता हूँ मैं चाबी को, शायद मिल जाए तो। तो प्रभु उनको एक दूसरी चाबी मिल गई, वो चाबी तो नहीं मिली लेकिन एक चाबी पड़ी हुई थी वहां पर। तो उसने सोचा कि लो ट्राई मारते हैं अगर इसे खुल जाता है तो। उसको बोले भारतीय लॉक है, किसी भी चाबी से खुल जाता है। तो चाबी खोलने गया और सही में लॉक खुल गया वो सही में लॉक खुल गया वो। तो उसने बोला आया प्रभुपाद के वापस दौड़ते दौड़ते तमल कृष्ण महाराज, प्रभुपाद एक अच्छा समाचार है। तो बंदे बोला क्या हुआ, कि प्रभुपाद मुझे दूसरी चाबी मिल गई और दूसरी चाबी से लॉक खुल गया। तो प्रभुपाद ने बोला कि अच्छा इसका मतलब है कि इस लॉक को कोई भी चाबी से खोल सकते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि लॉक को बदल दो अभी। तो प्रभुपाद एकदम अच्छे सिस्टम के साथ काम करते थे। और एक बार राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में श्रील प्रभुपाद के जो सर्वंट है सुधा कीर्ति प्रभु, वो नए नए जुड़े थे उनके साथ सर्वंट के रूप में। तो वो गए सुधा कीर्ति प्रभु और प्रभुपाद ने बिठाया उनको बाजू में और बोला कि तुम भी मेरे साथ प्रसाद ले लो, है ना। और यमुना माता जी उसमें प्रसाद बनाते थे प्रभुपाद के लिए। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद को कि सॉरी प्रभुपाद यमुना माता जी को बोला कि इसके लिए प्लेट बनाओ सुधा कीर्ति के लिए, वो भी खाएगा मेरे साथ। यमुना माता जी ने प्लेट नहीं सुधा कीर्ति प्रभु के लिए और सुधा कीर्ति प्रभु खा रहे थे। और प्रभुपाद बोल रहे और खाओ चिंता मत करो, है ना। तो सुधा कीर्ति और प्रभुपाद थे तो उनके सामने कुछ बीमारी हो गई थी, है ना। तो प्रभुपाद ने किसी बच्चे का नाम लिया
दुपट्टा लो, सरसों का तेल लो, उसका पेस्ट बनाओ और लगा दो, दो तीन दिन इसको औरत लगाओ, तब तीन दिन के बाद मुझे मिलने आना कैसा हुआ। जैसे ही दो तीन दिन चले गए तो प्रभुपाद ने उसको बुलाया, तो ब्रह्मचारी को बुलाओ कि उसको लग गया था, पहले उसको ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रभुपाद इस प्रकार से उनकी जो शिष्य थे उनका इस प्रकार से ख्याल रखते थे। ये सारी चीजें बता रहे हैं आपको, उससे हमें सीखना चाहिए प्रभुपाद ध्यान रखते थे। जब मायापुर लैंड, जहां भी हमारा मायापुर का बड़ा मंदिर है जो हम देख रहे हैं, उस मंदिर को नया मंदिर बन रहा है, तो पूरा जो लैंड था वहां जंगल हुआ करता था पहले, और प्रभुपाद को लैंड लेनी थी, लेकिन गौड़े मठ के जो सन्यासी थे उन लोगों ने वहां के जमींदारों को बोल दिया कि प्रभुपाद को लैंड नहीं देगा, जो स्वामी महाराज है उनको कोई भी जमीन नहीं देगा। तो प्रभुपाद ने ये बात कमलदेव महाराज को बताई, और कमलदेव महाराज ने बोला कि प्रभुपाद अमेरिका में लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमारा काम ही है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है ना, मैं जादू करने के लिए। तो बोलते थे कि कुमार कृष्ण जो है वो अग्नि में चल सकता है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी कार्य को सफल बना सकता है वो, उतना कुमार कृष्ण महाराज का इंप्रेशन था प्रभुपाद के लिए। तो प्रभुपाद ने कुमार कृष्ण महाराज को भेजा ऐसा देख लो बहुत सारा जमीन खरीदने के लिए, और जैसे ही उन्होंने जमीन के लिए पैसे इकट्ठा हो गए प्रभुपाद के पास, तो प्रभुपाद ने बोला कि पैसे जो है जेब में मत रखो। प्रभुपाद ने क्या किया, पैसे थे उनको पूरा उनके पेट से कमर तक बांध लिया और ऊपर कपड़ा बांध लिया और फिर ऊपर कुर्ता पहना लिया, ताकि कोई चोरी नहीं कर ले। और जो व्यक्ति जमीन दे रहा था उसने बोला कि रात को 12 बजे आना है मेरे पास जंगल में पैसा देने के लिए। उसने बोला अगर कोई देख लेगा कि मैं आपको जमीन बेच रहा हूँ तो लोग मुझे बोलेंगे। हमारा बोला ठीक है कोई बात नहीं, रात के अंधेरे में 12 बजे अकेले जमींदार के पास जाए पैसा लेके। और प्रभुपाद ने सॉरी कमलदेव महाराज ने उसको पैसा दिया और जमीन सैंक्शन कर दिया। इस पूरी घटना को 1 महीना हो गया और कमलदेव महाराज वापस नहीं आए, क्योंकि उन्होंने जमीन खरीद ली और वहां उसके लिए काम करना चालू कर दिया। कमल कृष्ण महाराज एक महीने तक कमल कृष्ण महाराज वापस नहीं आए, प्रभुपाद को चिंता होने लगी। प्रभुपाद ने बोला कि अमेरिका में पहले ऐसे बोल जाए कि उन्होंने गलती कर बनते हैं, भारतीय लोग पैसे के मामले में बहुत सुखी करते हैं, जंगल खाली ले जाता है उसको किसी कुछ कर ले तो क्या होगा। एक महीने के बाद प्रभुपाद रात के 2 बजे लिख रहे थे पुस्तक, तो उस समय कमल कृष्ण महाराज आए और उन्होंने गुड न्यूज दिया, प्रभुपाद द लैंड इज योर्स, जमीन जो है बड़ी आपकी हो गई अभी। प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए कमल कृष्ण महाराज से, प्रभुपाद ने बोला कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुम जाओ शांति से भी आराम करो, कल हम लोग बात करेंगे। तो प्रभुपाद केवल उनके शिष्यों के लिए नहीं, जो उनके शिष्य नहीं थे, जो लोग प्रभुपाद के शिष्य नहीं थे उनके लिए पूरा भी कृपा करते थे प्रभुपाद। जब हमने देखा कि जो ध्रुव का मंदिर जो है हमारा अभी का, तो आप सबने शायद मालूम होगा कि नहीं, लेकिन जमीन खरीदने के लिए बहुत सारा कष्ट हुआ था प्रभुपाद को, है ना, बहुत सारा कष्ट उनको सहन करना पड़ा था। तो क्योंकि वो जो आदमी था उसका नाम था मिस्टर एंड, और कुछ समय के बाद वो गुजर गया। और हमने क्या किया था, प्रभुपाद ने जमीन को जहाँ पैसा दिया था उस जमीन में प्रभुपाद ने टेम्पररी स्ट्रक्चर बना दिया था, श्री जगन्नाथ बलि सुभद्रा महाराज की, श्री राधा कृष्ण की, श्री भगवान की। प्रभुपाद ने क्या किया, जमीन के अंदर मंदिर छोटा सा मंदिर बना दिया और वहां पर अभी जो राधा रास बिहारी का जो विग्रह है उसको स्थापित कर दिया, राइट। और प्रभुपाद के शिष्य जो थे
वहां पर रुकते थे और सेवा करते थे, बहुत कठिन परिस्थिति में रुकते थे वहां पर, जमीन पे सोना है, इतने बड़े बड़े बच्चे उनको काम के आते थे, पर वो सब कुछ सहन कर रहे थे गुरुपाद के लिए, राइट। तो उनकी जो बीवी थी मिस्टर एंटी बेचारे लोग गुजर गए, उसकी बीवी ने क्या किया, 100 से 150 गुंडे भेजे वहां डिवोटीज को मारने के लिए, राइट। तो उस समय एक मिस्टर पीएल शेट्टी करके थे, मिस्टर शेट्टी, तो वो प्रभुपाद का जब जो जमीन नहीं मिला था लोगों का, अमेरिका लैंड, उससे पहले आकाश गंगा करके जगह थी वहां पर मंदिर का छोटा सा, और तो बीएल शेट्टी जो थे वहां पर रहते थे, एक बार प्रभुपाद ने बीएल शेट्टी ने मदद भी की थी उनको प्रभुपाद, तो प्रभुपाद ने बीएल शेट्टी को पूछा कि तुम क्या करते हो रोज, बोले प्रभुपाद बिल्डर हूँ मैं, सुबह 8 बजे ऑफिस आता हूँ, शाम को घर आता हूँ, खाता हूँ, टीवी देखता हूँ, वीडियो से बात करता हूँ, मैं बच्चों से खेलता हूँ और सो जाता हूँ। तो प्रभुपाद उसके मुंह के ऊपर बोला कि तुम पशु जैसे हो, तुम्हारे पशु में मतलब नहीं है, पूरा दिन सोचते सोचते रहते काम करते हो, तो सही क्या बोला। लेकिन वो बोला कि नहीं, मैं केवल ये नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे घर के नाते माधव है और घर जाने वाले को मैं संगीत करता हूँ, घर में गले में तो पहना हुआ था, उसको हटा दिया, निकाल दिया गल
जैसे प्रभुपाद जी गाड़ी में बिठाए उनके शिष्यों ने और वो लोग मंदिर लेके आए। और ताजुब की बात ये हुई जैसे मंदिर पहुंचे और ऐसे गाड़ी से नीचे उतरा शेट्टी चल के राधा राम के दर्शन करने आया और शेट्टी एकदम चमक गया। बोले स्वामी जी की स्थिति कैसी है, ताकि चल नहीं पा रहा वो चलकर भगवान के दर्शन करने आया। तो ऐसे काफी सारे इंसिडेंट है जहाँ प्रभुपाद के शिष्य नहीं हुए लेकिन प्रभुपाद ने इस प्रकार से उनका उद्धार किया। एक बार दिल्ली में आत्मा तत्व को बताते शिष्य थे तो उस समय हमारा मंगल मार्गी का मंदिर हुआ था। तो अगर आप दिल्ली गए हो दिल्ली के जो मुख्य मंदिर है तो मुख्य मंदिर तो दिल्ली का राजा पाठ साहब की वो वहाँ सेवा पूजा होती है। तो वहाँ एक आदमी आया बोला उसने मुझे प्रभुपाद को मिलना है। उसने बोला कभी टाइम चला के कल आओ मतलब तुम 4 बजे आ रहा है ताकि तुम पहले मिल सको प्रभुपाद को जल्दी मिल सको। तो वो आदमी 4 बजे दूसरे दिन 4 बजे बाद में आया प्रभुपाद को मिलने के लिए और उसने प्रभुपाद को बोला उसने बोला कि प्रभुपाद मुझे माला करने का। तो प्रभुपाद ने बोला तुमको किसने रोका है माला करने से। वो एक्चुअली हुआ ऐसा था कि जब दूसरे दिन वो मिल गया ना तो उसने बोला कि मुझे आपका मंदिर ज्वाइन कर लेना है मैं सेवा करूंगा। आत्मा तत्व बोले कैसा नहीं होता है आप तो क्या सेवा करोगे। और उस व्यक्ति को उसका पैर जो था बहुत हाथी जैसा हो गया उसका पैर ऐसे बीमारी आता है ना उसका पैर हाथी जैसा हो गया पैर तो सेवा नहीं कर पाएगा राइट। आत्मा तत्व ने बोला कि तुम सेवा नहीं कर पाओगे हम उस मंदिर में नहीं रख सकते लेकिन तुम प्रभुपाद को मिल सकते हो है ना। तुमसे प्रभुपाद को बताया गया तो प्रभुपाद ने बोला कोई बात नहीं और आपका तो मैंने बोला था उसको कल तुमसे प्रभु को मिलने आओ तो प्रभु तेरे को लेके आना। प्रभु सन्यासी है तो कुछ फ्रूट नारियल पानी ऐसा कुछ लेके आना प्रभु से खाली लेके आना पूरा खाली लेके गया था प्रभु से। तो प्रभु ने बोला कि मुझे माला करनी है मुझे माला करनी है। प्रभु ने एक माला निकाली और पूरी माला का जप किया प्रभु से फिर रूम में चिकन कर सकते हैं। तो प्रभु ने तो बताया कि जप कैसे किया जाता है कुछ समय बाद आत्मा तत्व प्रभु कहीं उस जगह जा रहे और उनके घर वालों को अंदर बुलाया आत्मा तत्व प्रभु और उन्होंने देखो ये उसका बैड है जहाँ उसने शरीर छोड़ा बैड के सामने रोकर से फोटो था और उन्होंने बताया उसके बाद